वीडियो में करेंगे हरियाणा जीके और जेके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हरियाणा पुलिस मिल कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की जो स्थापना है ये कब हुई थी तो भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी उन्नीस में हरियाणा के किस ज़िले में नाहर सिंह स्टेडियम या मयूर स्थित है ऑप्शन बी फरीदाबाद में हरियाणा में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है ये कब लगाया गया था तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था ऑप्शन बी उन्नीस में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उन्नीस में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था तो ये बनाया था ऑप्शन ए हिसार महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की थी तो ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में की थी स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं तो ऑप्शन ए करनाल व फरीदाबाद पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है तो ये की गई है ऑप्शन सी आठवीं पास किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है तो ऑप्शन बी हरियाणा हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये नियुक्त किया गया है तो ये नियुक्त किया गया है अनु कुमारी क्वेश्चन बनता है हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है तो ऑप्शन ए देखिए स्वर्ण पदक को छः करोड़ और कांस्य पदक सॉरी तो रजत पदक को चार करोड़ और कांस्य पदक ढाई करोड़ गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है तो ये पारित किया गया है ऑप्शन ए हरियाणा हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है तो ऑप्शन बी थारी पेंशन थारे पास हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है तो टोटल टोटल क्षेत्रफल सत्तावन प्रतिशत क्षेत्रफल जो है हरियाणा का ये एनसीआर के अंतर्गत आता है हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं तो टोटल जिले हैं चौदह ये टोटल जिले चौदह एन के अंतर्गत आते हैं हरियाणा का कौन सा शहर मिलीनियम सिटी कहलाता है तो ये कहलाता है ऑप्शन ए गुरुग्राम हिंदुस्तान मशीन टूल्स एच एम टी ये कहाँ पर था तो ये था ऑप्शन बी पिंजौर में था देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी तो ये चली थी ऑप्शन ए रेवाड़ी से हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है तो ये खर्च सीमा है आपकी लगभग लगभग ऑप्शन सी दस हज़ार रुपया हीरो मोटो कार्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर है तो ऑप्शन है रेवाड़ी करेंगे कैद हम लोग जीके के क्वेश्चन जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है तो ये है ऑप्शन सी आधिकारित आधिकारिक आरक्षित खाता भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति क्वेश्चन है उत्प्रेषणा देश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है तो ये है ऑप्शन डी प्रमाणित करना या जानकारी देना नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था तो ये था ऑप्शन सी अकबर आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी तो ये की गई थी ऑप्शन ए सिंगापुर में भारतीय सेना ने किस देश पर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो ये किया था ऑप्शन सी पाकिस्तान जीएसटी का अभिप्राय क्या है तो जीएसटी का अभिप्राय होता है वस्तु एवं सेवा कर ऑप्शन ए एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा तो ऑप्शन ए गांधीनगर किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म का प्रसिद्ध चालीसवें मॉन्ट्रियल विश्वफिश फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन किया गया है तो ऑप्शन ए संकचील गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है तो ऑप्शन डी गरवा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है तो ऑप्शन सी लेह हवाई अड्डा विश्व की सबसे लंबी भूमि किन दो देशों के बीच है ऑप्शन डी कनाडा एवं यूएसए। बगदाद की राजधानी क्या है तो बगदाद की राजधानी की अगर बात करते हैं तो ये है ऑप्शन ए e, इराक बीबी का मकबरा खालिस्तान में स्थित एक कब्र है इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष सोलह सौ अठहत्तर में निर्माण करवाया था तो ऑप्शन बी औरंगाबाद कन्नौज की लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ी गई थी तो ये लड़ी गई थी ऑप्शन सी पंद्रह सौ चालीस ईस्वी में अगला क्वेश्चन बनता है पैरा ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए दीपा मलिक भारतीय संविधान का अनुच्छेद बत्तीस इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है तो ऑप्शन सी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार उस प्रथम खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था तो ऑप्शन बी राज्यवर्धन सिंह किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था तो महाबोधि मंदिर समूह भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है तो पद्म विभूषण नेक्स्ट क्वेश्चन मनता है बंगाली खालिस्तान की शासकीय भाषा है तो ये किसकी भाषा है त्रिपुरा बारूद का आविष्कार किया था तो बारूद का आविष्कार किसने किया था डॉक्टर गैटिंग ने एडोल्फ हिटलर ने खालिस्तान में आत्महत्या की तो 1945 में एडोल्फ हिटलर ने हिटलर ने आत्महत्या की थी हुमायूं जिनका कार्यकाल रहा से 1540 सौ चालीस ईस्वी किस वंश का शासक था तो ये था ऑप्शन बी मुग़ल एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है तो मत देने का अधिकार तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू धन्यवाद